पात्रा कंगना जी के ट्वीट को इंडोर्स कर दे क्या? मुझे बोला अब आए मुद्दे पे, आपके साथ यही प्रॉब्लम है सर, आपको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, क्या आप उनके साथ हैं जब वो कहती हैं पीओके? इग्निशन प्रॉब्लम भी है और फ्लो प्रॉब्लम भी है बाबूजी, आपका इग्निशन प्रॉब्लम भी है और फ्लो प्रॉब्लम भी है, आप मुझे बोलने दीजिए आराम से। बाबूजी देखिए मैंने आपका बड़ा सुना, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके साथ लड़ना नहीं चाहता, ठीक है मैं करता हूँ। चलिए अब सुन लीजिए तिवारी जी प्लीज, अंजना जी आप सोचिए, अंजना जी आप खुद एक महिला हैं, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की माँ हैं, यहाँ भी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप सोच के देखिए अगर किसी महिला को, आप सोच के देखिए अगर किसी महिला को मैं या क्यों, तिवारी जी प्लीज मैं बोल लूँ महाभारत आप आंख बंद करके रोइए। अंजना जी मैं इस प्रकार की डिबेट बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक सीरियस विषय को हम यहाँ पे बहुत छोटा करें, बहुत सीरियस छोटा नहीं चाहता हूँ, सीरियस भगवान। अंजना जी प्लीज प्लीज पलभर में गुस्सा, पलभर में फिर हंसने लगते हैं, तिवारी जी का कुछ समझ नहीं आता मुझे, का कुछ समझ नहीं आता मुझे, बहुत सीरियस विषय है, मुझे बोलने दिया जाए, फिर आप बोल लीजिए। प्लीज समित जी जवाब दीजिए फिर आने मेहमान। तिवारी जी आप उम्र दराज हैं, इस प्रकार से हम अपने सीरियसनेस ना कम करें, एक विषय पे बोलने दीजिए। अंजना जी मैं कह रहा था आपको बोलना है, यहां कंगना पे मत बोलो, मैं चाइना पे बोलो, कंगना पे मत बोलो सर प्लीज। अंजना जी मैं बिल्कुल ऐसा डिबेट नहीं चाहता हूं, अंजना जी चाइना वाली डिबेट, अंजना जी मैं बिल्कुल, देखिए बहुत लोग बैठ रहे हैं अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें डिबेट का सीरियसनेस रखना चाहिए, एक महिला की आबरू के विषय में हम बात कर रहे हैं, लेट्स नॉट रिड्यूस दिस डिबेट्स लेवल प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मैं यहां बार-बार कह रहा हूं, यहां पर तीन महिलाएं बैठी हैं इंक्लूडिंग यू, आप किसी की बेटी हैं, किसी की माँ हैं, किसी की बहन हैं, किसी की पत्नी है, अगर मैं तिवारी जी या कोई भी यहाँ जो बैठा है, हम किसी भी महिला को यहाँ हरामखोर कहे, कुत्ते की पूंछ कह दे कि तुम्हारा हम जबड़ा तोड़ देंगे, क्योंकि तुम पीएम के खिलाफ में कह रही हो या डिबेट कर रही हो, क्या कैसा लगेगा, ये देश कहाँ जा रहा है? आपने एक एक्ट्रेस को एक अकेली अपने दम के ऊपर जिन्होंने अपना इतना बड़ा कारोबार किया, अपने आप को एक आत्मनिर्भर महिला बनाया, आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया? किस प्रकार की लड़ाई चल रही है? एक महिला बस पूरा का पूरा महाराष्ट्र सरकार, जिसने आपके सांसद इत्यादि सब सांसद विधायक सब उतर के आके कुत्ते हराम को इस प्रकार की, एकमात्र ऐसे महाराज थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज की कामना की थी, हिंदवी स्वराज की कामना की। आ रही हूँ किशोर तिवारी, रुक जाइए, आ रही हूँ पूरा करने दीजिए। ये हिंदवी स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, ये हिंदवी स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, ये अन्याय के साथ खड़े हैं, ये अत्याचार के साथ खड़े हैं, ये उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो अंडरवर्ल्ड की ताकतें हैं। कभी भी बाला साहेब अंडरवर्ल्ड के साथ खड़े नहीं होते थे, बाला साहेब ने अंडरवर्ल्ड को समाप्त किया है, और आज उनके संतानों ने जिस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के साथ खड़े होकर जो ये पूरा का पूरा नाटक रचा है, हिंदुस्तान देख रहा है। तिवारी जी जो ये नो कर रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी ने, जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। आप बताइए, यही शशि थरूर थे जिन्होंने हिंदू पाकिस्तान कहा था इनको, किसान को हिंदू, क्या बात चल रही है, आपने शशि थरूर का घर तोड़ दिया, नहीं नहीं प्रवक्ता है क्या, हिंदू पाकिस्तान किसने कहा था? तिवारी जी नाना नाना क्या कर रहे हैं आप, ये नाना नाना आपको बीएमसी को करना चाहिए था ना, ये नाना नाना आपको बीएमसी को करना चाहिए था ना, किस बात का बदला लिया है, बोलने कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, बोलिए। देखिए देखिए कश्यप मैडम, तुमने डॉक्टर संदीप पात्रा को बहुत समय दिया है, जवाब दीजिए ना, कहानी मत सुनाइए, जवाब दीजिए सर, टॉपिक पे बात कीजिए। अरे मैं तिवारी हूँ, तुम तो संदीप पात्रा उधर के हो, तुमको कहाँ हिंदी आती, चुप बैठो जरा।
कमेंट हुआ सर, आप सब पे पर्सनल कमेंट करने आए हैं क्या? आप टॉपिक पे बोलिए ना, ये बताइए कभी आना ना बुलाए। अंजना जी की क्या जरूरत है? अंजना जी मैं, अरे आप क्या जातिवाद कर रही हैं? मैं तिवारी हूँ और तू पात्रा है। मिस्टर तिवारी ये संजय राउत की तरह बिहेव करना बंद करिए। बिल्कुल संजय राउत नहीं चलेगा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ तिवारी भी रहेंगे, पात्रा भी रहेंगे, अंजना और कश्यप भी रहेंगी और संजय राणावत भी रहेंगे, सब रहेंगे। चलिए आप जवाब दीजिए टॉपिक पर, यहाँ पे इस प्रकार की बातें नहीं चलेगी। अरे उनका आवाज बंद करो। जो सुशांत सिंह को कल एनसीबी ने चार्जशीट में पहली बार कहा कि वो ड्रगिस्ट है, उसके लिए सारा जो ये प्रपंच बना है। तो मैं आपको बताता हूँ, अंजना ओम कश्यप जी और मेरी बहन जी, मैं उनको आदर से बताता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स तरीके बोलने दो, ये बीच में क्यों बोलते हैं? अरे सर आपका तो फ्लो बड़ा गड़बड़ है, आप तो झूठे साबित हो गए। अरे मेरे को बोल, अंजना जी बोल, बोलो ना अंजना जी, मैं बोल रहा हूँ। अरे खाली बोलो बोलो करके बोलते हो नहीं, बोलो जल्दी सर। अभी आप है ना, अमरी तुमरी क्यों बोला, ये क्यों बोला, धमकी क्यों दे रहे? अरे सुनो भाई सुनो, ऐसा क्या छुपा रखा है हवेली सेना ने जो तुफान आपको पूरी तरह से ये लोग बर्बाद करना नहीं कर सकते, रिजाइन करवाइए। अरे मुझे जवाब नहीं देने दे रहा विवेक। बोलिए बोलिए विवेक, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई पुलिस प्रशासन, अरे ये, अरे ये, अरे ये बेबुनियादी, ये बेबुनियादी आरोप कर रहे हैं, बेबुनियादी आरोप कर रहे हैं। केवल एक घर के डेमोलिशन का विषय नहीं है, ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू एक कार्टे, ये क्या हो रहा है? मैंने कब धमकी दी है इनको? ये क्यों चिल्ला रहे हैं ऐसे? किसको धमकी दे रहे हैं? तुम किसको देख लोगे? तो अरे मैं बोल रहा हूँ किशोर तिवारी, अंजना जी आप किसको देख लेंगे? मुझे बोलने दिया जाए। नॉटी तिवारी आपके नेता महिला को हराम कर देते हैं और मैं कहता हूँ आपकी आत्मा मर गई है, आपको उसमें गर्व लगती है, आप माफी मांगो। आपने जो हरामखोर कहा है आप कौन है हरामखोर कहने वाले? आप कौन है हरामखोर कहने वाले? Who are you to call me हरामखोर? आप कौन होते हैं? आप हरामखोर कहने वाले कौन है मिस्टर तिवारी? Who are you? Who is संजय राउत? ये संजय राउत कौन है? दूसरों को हरामखोर कहेंगे? हरामखोर कहेंगे आप लोगों को? आप लोगों को गाली देंगे? आपकी ये सभ्यता है, ये संस्कृति है? बाला साहब महिलाओं की रक्षा करते थे, किसी महिला को बाला साहब कभी गाली देते थे? अगर किसी भी महिला के खिलाफ बाला साहब ने कहा है तो वो सोनिया गांधी है, बस सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने कहा है, बाकी बाला साहब ने कहा है। और आज शिवसेना महिलाओं को हरामखोर कह रही है, करने बैठे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों के ऊपर, धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। आप लोग इससे पहले भी काफी कंट्रोवर्सी में वो आ चुके हैं। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि एक 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 रूलिंग पार्टी के कंगना रनौत चुकी हिंदुत्ववादी एजेंडे पे चलती है या आइडियोलॉजी पे चलती है तो आप उनको टारगेट करेंगे। अगर दूसरे ऐसे स्टार्स हैं जो खुल अगर संजय राउत आके कान पकड़ के माफी मांगते कि मुझसे गलती हो गई, मैंने हरामखोर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने कंगना राउत के रनौत के पिता के ऊपर कहा कि अगर तुम्हारा बाप भी होगा तो बाप को लेकर आओ मुंबई में, फिर दिखाते हैं मुंबई क्या है। अगर संजय राउत कहते कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं कान पकड़ता हूँ, मैंने कहा था हम जबड़ा तोड़ देंगे, मेरे से गलती हो गई, मैंने सामना में लिखा उखाड़ दिया, मेरे से गलती हो गई, मैंने सामना में लिखा कि पानी के अंदर रह के मगर से बैर नहीं करते हैं, तो कुछ माना जा सकता था। नहीं तिवारी जी, हंसने का विषय नहीं है तिवारी जी, उंगली ऐसे ऐसे करके हंसने से कुछ नहीं होता है तिवारी जी। आप लोग जिस प्रकार से डंडा ऐसे ऐसे करके उन लोगों के ऊपर डंडा बरसा रहे हो, मैं पूछता हूँ महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान बोलने पर घर तोड़ा जा। एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड मैंने आप अभी उंगली महाराष्ट्र में क्या अभी उंगली उंगली आप मुझे कहते हो? अरे आपको राजेश खन्ना नहीं कहा है भैया, आप चलो आपको अरे वो मैंने संजय जी को कहा था, वो दूसरे प्रवक्ता है उनको कहा था। आप इतना खुशफहमी में बड़ा राजेश खन्ना सोच रहे हैं, इतना हैंडसम नहीं हो राजेश खन्ना। अब बैठो मेरी बात सुनो, महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर। ओफो भगवान, सुरोहित जी कहां से लाए हैं इसको? रुक जाइए साहब, रुक जाइए। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ रहे हैं। जुबान तुम्हारा आईटी सेल मेरा मजाक उड़ाता है। सर मैं बोल, सर आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो सर, आप प्लीज बैठ जाओ, आप नॉटी हो बस, आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो। अब तुम नॉटी नॉटी बोलती हो ना, तो नॉटी नॉटी डिबेट आपने ये हमारे जीता है। तो क्या हो गया, आप नॉटी है नॉटी है तो इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? आप प्लीज मुझे विषय से भटक रहे हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे अरे तुम मुझे आराम से बोलना चाहते हो, नॉटी बोलते हो। अच्छा
मतलब ये तो कमाल हो गया, ये तो आप ही के संजय राउत ने बताया था कि मतलब हराम मेरे बेटे तरीके हो और तुम है ना अभद्र बाचा बोलते हो। बेटे जैसे है तो आप शांति से बैठो ना, बेटे को बोलने दो। क्योंकि अच्छा मैं नॉटी बोला तो आप हरामखोर समझ गए, ये तो बड़ा कमाल की बात है। अब आप शांति से बैठो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो आप, बुद्धिमान हो जो आप सही समझ गए, आप मुझे बोलने दिया जाए। तुम बुद्धि से नॉटी बोल रहे हो ना। और संजय राउत सरकार का हिस्सा नहीं है। रोहित भाई जरा ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दो प्लीज। संजय भाई मैं इनसे ये पिता जैसे हैं, मैं इनसे उलझना नहीं चाहता हूँ। मुझे विषय को रखने दिया जाए, गंभीरता के साथ रखने दिया जाए। और थैंक यू सर, मैं प्लीज बोल लूं, नहीं तो आप मेरा जबड़ा भी तोड़ देंगे। 30 सेकंड दिए, 30 सेकंड रोहित जी, मैं दो तीन उदाहरण देता जी, दो तीन उदाहरण देता। दिसंबर ये प्रवचन करते रोहित जी, मैं शांत बैठ जाता हूँ। ये प्रवचन करते किशोर जी, प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास, वो अभी कनेक्ट हुए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका प्रवचन भी सुनवाऊंगा अभी आपको, थोड़ा रुक तो जाइए। प्रवचन वाले भी हैं अभी, रुक जा। प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास, प्रवचन वाले भी हैं, और दूसरे तरीके से जिनको प्रवचन समझ में नहीं आता हो वैसे समझाने वाले जीडी बख्शी जी भी हैं हमारे साथ, दोनों की बात आपको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले आप दोनों की तो पूरी हो जाए कम से कम, प्लीज। आप दोनों का ही खत्म नहीं होने जा रहा, मैं नहीं बोलूंगा। समित पात्रा 30 सेकंड है, फिर जीडी बख्शी और प्रमोद कृष्ण साहब के पास जाओ, बोलिए जल्दी। समित पात्रा, दिसंबर 2019 में हीरामणि तिवारी नामक व्यक्ति, उन्होंने भी इसी प्रकार से कुछ टिप्पणी की थी और जो कि बिल्कुल दायरे के अंदर था, था उनके बाल को मुंडवा दिया। हिंदू पाकिस्तान किसने कहा था? ये तिवारी जी नाना नाना क्या कर रहे हैं आप? ये नाना नाना आपको बीएमसी को करना चाहिए था ना, किस बात का बदला लिया है? बोलने कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, बोलिए। देखिए देखिए कश्यप मैडम, तुमने क्या होता है ये, तुमने क्या होता है? नहीं आप ये एंकर बैठी हैं, आप नहीं कह सकते हैं आप, नहीं, अरे सारे के सारे लोग बैठे हैं, नहीं आप, नहीं नहीं ना, बिल्कुल नहीं चलेगा ये सब, नहीं चलेगा। आप सबको आप, अरे भाई नहीं, आप महिलाओं को, आप महिलाओं को हरामखोर कह देंगे। अरे भाई मुझे आप नहीं देखेगा, आप ड्रामा करेंगे। अरे मैं तिवारी हूँ, अरे मैं तिवारी हूँ। अरे तुम तो संदीप पात्रा उधर के हो, तुमको कहाँ हिंदी आती? चुप बैठो, चुप बैठो जरा। ये कौन सा कमेंट हुआ सर? आप सब पे पर्सनल कमेंट करने आए हैं क्या? आप टॉपिक पे बोलिए ना, ये बताइए कंगना रनौत। देखिए अंजना जी किस पे, अंजना जी मैं, नहीं अंजना जी इस टॉपिक पे आइए और इस आदमी को बाहर निकालिए। मैं भी आप कह रही हूँ तो आप भी, आप बोलिए। मैं तिवारी हूँ, तू पात्रा है, ये क्या है? निकलना चाहिए। टॉपिक पे आइए जल्दी से कंगना रनौत पे। आप बोल रहे हैं कि मैं तिवारी हूँ, तू पात्रा है, पात्रा को बाहर निकालो, क्या होता है, क्या होता है? अरे आप क्या जातिवाद फैलाएंगे कि मैं तिवारी हूँ और तू पात्रा है? मिस्टर तिवारी ये संजय राउत की तरह बिहेव करना बंद करिए, बिल्कुल बिल्कुल संजय राउत नहीं चलेगा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। संजय राणावत भी रहेंगी, अरे उनका आवाज बंद करो। ठीक है अब ये प्लीज इसको मिस्टर तिवारी आप इधर देखिए, आप इधर उधर मत बात कीजिए और कोई किसी की आवाज नहीं बंद करेगा। मैं आपको बताता हूँ अंजना ओम कश्यप जी और मेरी बहन जी, मैं तुमको आदर से बताता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स तरीके बोलने दो, ये बीच में क्यों बोलते हैं? अरे सर आपका फ्लो बड़ा गड़बड़ है। अरे मेरे को अंजना जी बोल, बोलो ना अंजना जी, मैं बोल रहा हूँ। अरे खाली बोलो बोलो करके बोलते हो नहीं, बोलो जल्दी सर। अरे अरे अंजना जी ये क्या, किसको डिबेट पे बुलाते हैं? पूरा डिबेट खराब कर देते हैं ये लोग अंजना जी, ये बहुत नॉटी है। ना ना ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए पहले, कैटेगरी देते हैं पहले, ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए अब तिवारी, पहले ये नॉटी स्पोक्स पर्सन, ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दीजिए। ये नॉटी स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत नॉटी है, ये बहुत नॉटी है, ये बहुत नॉटी है। इस नॉटी की आवाज को कम किया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। अंजना जी इस नॉटी जी की आवाज, नॉटी जी की आवाज को बंद किया जाए। वो यार अपना क्या भैया सुबियो हमारे Okay.